नाजरीन डोर की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा।
तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बाण की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और बाण दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बाण की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और बाण दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बाण की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और बाण दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बाण की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और बाण दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बाण की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और बाण दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा।
तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा।
तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रश्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रश्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रश्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रश्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बाण अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और रश्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और अस्मा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा।
तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है। मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है। मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है। मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है। मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा। मगर अबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ अस्मा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान, अम्मी ने आप और रस्मा को धोखा दिया है। मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा। मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद अस्मा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और अबान दोबारा अस्मा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या अस्मा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।
की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो बान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे रोमान जब अपने भाई के लिए केयर टेकर के तौर पर अहमद को घर लाएगा तो वो इससे बेइंतहा नाराज होगा, मगर रोमान अपनी माँ को राजी कर लेगा तो आप देखेंगे अहमद उसकी केयर के लिए अपनी नौकरी शुरू कर देगा, मगर ओबान उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और अपनी माँ को धमकी देगा कि अगर आपने अहमद को इस घर से नहीं निकाला और मेरी खिदमत के लिए सिर्फ और सिर्फ असमा ना रही तो मैं आपकी सारी हकीकत अपने भाई रोमान को बता दूंगा। तो आप देखेंगे रोमान जब घर आएगा तो बान अपने भाई रोमान के पास जाकर कहेगा कि भाई जान अम्मी ने आप और असमा को धोखा दिया है, मगर बात बताते बताते अपनी बात को पलट जाएगा, मगर आप देखेंगे रोमान की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो ओबान की बातों में आकर अहमद को घर से निकाल देगी, जिसके बाद असमा दोबारा से रोमान के भाई की खिदमत करना शुरू कर दे और ओबान दोबारा असमा के साथ वही बुरी हरकतें करेगा। तो क्या असमा उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल आइकॉन को लाजमी दबा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।